कला कई अर्थों में कलाकार की अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन अगर वो देखने वालों को भी अपने से जोड़ पाए तो उसका दायरा और भी विस्तृत हो जाता है। परेश हाजरा की कोशिश भी कुछ ऐसी ही है, जो अपनी कृतियों से सबकी कहानी कहना चाहते हैं। राजधानी के आर्ट टुडे में चल रही इस प्रदर्शनी में भारतीय पौराणिक कथाओं से लेकर समकालीन समाज की विडंबनाएं तक मौजूद हैं। तो अभी भी राम का भी कीर्तन चल रहा है, अब कारगिल में लड़ाई भी चल रहा है, तो एक्सपोजर सब साइड में ही तो आएगा। व्हेन यू आर लिविंग इन दैट टाइप्स ऑफ सोसाइटी नो, सो ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन विल कम आर्टिस्ट वर्क। टेम्परा माध्यम में बने इन चित्रों में केवल प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया गया है। परेश ने अपनी आवश्यकता को उपयोगिता भी बनाया और मौलिकता भी। मैं जब छोटा बचपन में गांव में था, उस टाइम वो मम्मी का वो टर्मरिक चोरी करके और वो इंडिगो ब्लू जो साड़ी में इस्तेमाल, व्हाइट सफ़ेद साड़ी में इस्तेमाल होता है या धोती में इस्तेमाल होता है, उसको चोरी करके कोई फ्लावर का जो लीव है उसको क्रैश करके वो सब हम पेंटिंग बनाता था। उस टाइम कोई मुझे पेंट खरीद करने के लिए कोई देता था नहीं। गांव में अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बिताने के कारण उनके काम में लोक कला का प्रभाव दिखता है, जो उनकी तस्वीरों को विशिष्ट रंग देता है।